देखो अज बड़ी ये मंदभागी गल है कि जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट आ वो पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां दे विच अथाह वाधा कर रही है, क्योंकि हर रोज़ ही जदों सवेरे कोई सुत्ता उठता है तो उहदे विच वाधा पेट्रोल डीजल दे विच होया हुंदा। सो अज लगातार वाधा करदे हुए इन्हां ने रिकॉर्ड तोड़ता, हिस्टरी क्रिएट करती कि जिहड़े पेट्रोल तो डीजल महंगा करता, और अज 80 रुपए कुछ पैसे डीजल पहुँच गया तो पेट्रोल जिहड़ा उहदे तो थले करता। और ये पिछे एक बड़ी सोची समझी इन्हां दी साजिश है, क्योंकि ये किसानी नूं ते वपारियां नूं मारना चाहुंदे आ, क्योंकि जदों अज सीजन है लोगों फसल लाने का, तो जदों फसल लाने की गल आती है उदों असीं डीजल की कीमत बढ़ा दें, जदों फसलां लग जाएंगी उदों 2-4 रुपए घटा देंगे। इन्हां दा एक बड़ा वधिया एक इन्ना ड्रामेटिक वे दे नाल 10 रुपए वधाउंदे ने, 2 रुपए घटा देंदे ने, 8 रुपए वधाउंदे ने, 3 रुपए घटा देंदे ने, और लोगों को यह लगता भी 8 वधिया सी 3 घट गया, गां फिर घट जू, पर उस तो बाद फिर जंप करते हैं। अज करते करते 80 रुपए कुछ पैसे तो डीजल पेट्रोल चल गया, और इन्हां दे मिनिस्टर कह रहे हैं कि 100 का अंकड़ा जिहड़ा पार करेगा। मैनू तो लगता इन्हां ने इंडिया नूं, साडे मुल्क नूं जिहड़े 3-4 घराने आ उन्हां नूं इन्हां ने गिरवी दे चुके आ, और एज ए कारपोरेट अधिकारी बन के साडे प्राइम मिनिस्टर साहब और उन्हां दे अधिकारी जिहड़े वजीर सवान ने, वो एक कारपोरेट अधिकारियों के बतौर साढ़े मुल्क की अगवाई कर रहे हैं। सो बड़ी मंदभागी गल, अज कितने ने इन्हां दे वजीर जिहड़े गलां च कद्दू पा के ते सिरां दे सिलंडर चक के ते बड़ा विरोध करते सी कि लोग खत्म हो गए जी हिंदुस्तान दे विच, क्योंकि उस समय दे विच कच्चे तेल की कीमत 108-116 रुपए डॉलर पर बैरल तक चली गई सी, पर पेट्रोल डीजल की कीमत इतने नहीं सी पहुँची। उस समय तो भी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं वधाई कांग्रेस ने, अज पेट्रोल डीजल की कीमत कच्चे तेल की 42-43 रुपए तो आ गई, पर अज की ऐसी इन्हों बिल्ली छिक गई कि जी इन्ह ने रेट 80 रुपए तो पार करता पेट्रोल डीजल का। सो ये गल्लां इतों पता लगता कि किन्ने क सिंसीयर ने अपने मुल्क के नाल, किन्ने क सिंसीयर पॉलिटिशियंस ने उस समय इन्हें झूठ बोल के सरकार बनाई, अज क्यों पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं घटाते। सो इस गल का असी अज मैमोरेंडम राष्ट्रपति साहब नू थ्रू DC साहब भेज रहे हैं, और आने वाले समय के डट के असी विरोध करांगे। इस तों अलावा मैं ये गल कहण च बिल्कुल ग्रेज नहीं करता, क्योंकि जिहड़ी साडी एक मुल्क की सरमाया कह लो एयर इंडिया, की गल अज एयर इंडिया क्यों वेच रहे हैं, की गल अज BSNL क्यों वेच रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियों के जिहड़ा उन्होंने प्रॉफिट च लिया जा रहा, और जिहड़ी BSNL है सरकारी कंपनियां ने वो फेल क्यों हो रही हैं, एयर इंडिया क्यों फेल कर रहे हैं। सो इन चीज़ों का डट के विरोध करांगे। ट्रेना जी उन्होंने पहली बार सुनवाई आया साढ़े सुन के उन्होंने प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सो अज एयरपोर्ट वेचे जा रहे हैं, फिर रह की गया ये, फिर कुछ होर अनपढ़ बंदे भी एज ए प्राइम मिनिस्टर कहो तो कुर्सी पर बह जा भाई, वेच के आपका घर चलाई जा तो कोई भी चला लेगा,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।